दोस्तों नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों अग्निवीर, आज हम बात करेंगे अग्निवीर पर, परंतु मैं आप लोगों को बता दूं टेरिटोरियल पर लास्ट में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको फायदा देगा। दोस्तों अग्निवीर की जो नई भर्तियाँ हैं, आपको पता था कि जैसे कि एक बार पेपर हुआ पिछली साल और उनके दो फेज में फिजिकल किए गए, परंतु एक फेज का फिजिकल हो गया, उनके रिटिन का टेस्ट का क्लियर हो गया, सारा कुछ रिजल्ट आ गया, ट्रेनिंग चले गए, परंतु दूसरा जो फेज है वो चालू है अभी तक। उसके रिजल्ट आने से पहले ही बहुत से अखबारों ने अपना बयान जारी किया है, बहुत से अखबारों में आया है कि 8 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं अग्निवीर के। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अब की बार 30 दिन नहीं 45 दिन फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं अग्निवीर में। ये कुछ भी फंडा हो सकता है, ये सरकार जानती है या ये आर्मी जानती है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई उम्र क्या होगी। उम्र दोस्तों अभी तक जो अखबार के माध्यम से आया है वो 21 साल आया है, जीडी की और ट्रेडमैन और टेक्निकल और क्लर्क ये 21 साल आया है। परंतु जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं joinindianarmy.nic.in पर जाते हैं तो वहाँ पर क्लर्क की 23 और टेक्निकल की 23, जीडी की 21 और ट्रेडमैन की भी 23। ऐसा अभी तक असमंजस बना हुआ है कि उम्र बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। और दोस्तों अब की बार जो इन्होंने किया है वो किया है एक बदलाव बहुत बड़ा। वो बदलाव किया है कि अब की बार क्लर्क में आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, और जिस भाई को भी टाइपिंग करनी है और या फिर अग्निवीर के पेपर की तैयारी करनी है तो मोदीनगर चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर आप आ सकते हैं। रहने खाने रहने की सब सुविधा है आपके लिए, तो आप लोग आके अगर अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी पे। हम टेरिटोरियल आर्मी पे थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का बवाल मचा हुआ है और चारों तरफ से सभी भाई परेशान हैं, अपनी फैमिली परेशान है। जब अपनी फैमिली परेशान होती है तो हम भी परेशान होते हैं। तो दोस्तों हम मैंने आपको बताया था कि एक आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है हेडक्वार्टर से, परंतु वहाँ से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि अभी तक हमारी एंट्री भी नहीं हुई है। क्योंकि हमारे पास पीएमओ का जो लेटर था वो लेटर उन्होंने बोल दिया है कि नेक्स्ट लेटर लेकर आइए, आप हम आपको इसकी जानकारी दे चुके हैं। जानकारी उन्होंने क्या दी थी पीएमओ की, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने जानकारी दी थी कि दो या तीन मंथ के अंदर अंदर भर्ती आपकी आ जाएगी। मैंने आपको पीएमओ लेटर भी दिखाया था, सारे प्रूफ दिखाए थे। परंतु दोस्तों बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि भाई आप प्रूफ नहीं दिखाते। सारी चीज़ मैंने दिखाई थी लेकिन उन्होंने बता दिया कि अभी तक हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, जब आप अगली आरटीआई या पीएमओ लेटर लाएंगे जब आपको एंट्री मिलेगी, उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो आगे तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।